नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बार चंद इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जो शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मोरेपन लैब्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो जो जो शेयर है इसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई थी। जब कोरोना की सेकेंड वेव का टाइम आया था, उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसा लगा दिया था, अच्छे खासे रिटर्न दिए थे। और अपना जो इसका हाई था 72-73 के आसपास का हाई टच करके इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अब ये दोबारा से अपने जो 72 का, जो मैं आपको लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए थे, उसके अलावा हमने आपको टारगेट दिया था 72 रुपीज़ का, वो हमारा टारगेट कल अचीव हो गया था। तो उसके अलावा अब इसमें आगे क्या होने वाला है, इसके आगे के क्या टारगेट्स हैं और क्या लेवल्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट, अगर ये नीचे आता है तो कहाँ तक नीचे आ सकता है, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो हम चल के देखते हैं कि अभी इसमें कैसे क्या ट्रेड चल रही है। तो आज के दिन इसमें ऑलमोस्ट 35 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगभग 0.5% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी ये 71.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये 74 का जो उसका लेवल था, इसको हाई बनाने के बाद इसमें दोबारा से अच्छी खासी गिरावट चालू हो गई थी। काफ़ी अच्छी इसमें प्रॉफिट बुकिंग, आप बोलें तो प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिली है अभी। तो काफ़ी अच्छा इसमें जो ब्रेकआउट हुआ था हैवी, क्योंकि काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन में चल रहा था, उसके बाद से इसमें काफ़ी तेज़ जो है ब्रेकआउट हुआ और इसमें अपना जो हाई था उसको टच किया। लेकिन अब दोबारा से इसमें गिरावट चालू हुई हल्की सी, और ये दोबारा से रिकवरी देना चालू कर रहा है। अब देखें अगर 1 वीक में इसमें क्या हाल रहा है, तो 1 वीक में इसमें 11.76% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है, जो कि 7.50 रुपये के आसपास की तेज़ी है। 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में इसमें लगभग 10.38% की तेज़ी मिली है, जो कि 6.70 रुपये के आसपास की। 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में इसने जो है अच्छा खासा लोगों को पैसा लगा दिया, जो कि है लगभग 39.85 रुपये की इसमें तेज़ी दिखी है। 39.85 रुपये की इसमें तेज़ी दिखाई है सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों में देखें तो, तगड़ी इसने तेज़ी दिखाई है। तो अभी मार्केट जो लाइव चल रहा है, देखने वाली बात होगी कि ये अब जो मार्केट ख़त्म जो बंद होते होते ये कहाँ तक जा पाता है। तो अभी ये जो है इसने 6 महीने में 126.91% की जो है रिटर्न लोगों को बना के दिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों में। तो काफ़ी एक देखें तो एक लिहाज से देखा तो काफ़ी अच्छी इसमें तेज़ी मिली है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो है कोरोना की थर्ड वेव। जो कोरोना की थर्ड वेव है इसमें इसका बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सेकेंड वेव में इसने जो बहुत सारा पैसा कमाया तो उसका फ़ायदा भी अब इसमें थर्ड वेव में भी इसमें मिलने वाला है। उसके अलावा इसमें आपको बताऊँगा कि इनको जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड उसकी खबर आई थी वो आपने देखी ली होगी, मैं उसको इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, आपको ये खबर पता ही चल गई होगी। ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि वैक्सीनेशन के लिए उनको परमिशन मिल गई है इनको। तो काफ़ी इन कंपनियों में पॉजिटिव देखने मिले हैं। फार्मा का जो बहुत ही तगड़ा जो बूम चल रहा है, कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इसमें इन सारे शेयरों ने, मैं बात करूँ चाहे मोरेपन लैब्स की बात करूँ या डॉक्टर रेड्डी जो बड़े बड़े शेयर है, उसके अलावा सिंकॉम फॉर्मुलेशन, जेनेक्स लैब, तो हर शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है इस कोरोना के वक्त में। और अब आगे जो सेकेंड थर्ड वेव की जो आने वाली है, इसमें जो आपका 72 का जो टारगेट इसने हाई बनाया था उसको तोड़ता हुआ ये और भी ऊपर पूरे ऊपर जाने के इसके चांस दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये आगे कहाँ तक जा सकता है, और अगर इसमें अभी जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है तो अगर ये गिरावट खा जाता है तो कहाँ तक जाएगा, तो उसके चलते हम आपको ले चलते हैं चार्ट पर कि चार्ट पर इसका क्या हाल चाल चल रहा है। तो चार्ट पर हम आ गए, तो देखिए ये जो इसका लेवल था ऑलमोस्ट 37 रुपीज़ का, जो कि इसका 20 अप्रैल के आसपास का था, जो इससे देखे तो क्या ही बूम किया, सीधे ये चढ़ गया ऊपर की तरफ 72 रुपीज़ पर, सीधे इसने रुपया अपना कर दिया दुगना इतने जल्दी, सीधे 10 मई तक, मतलब इसने स्टार्ट किया था कहाँ से, लगभग 20 अप्रैल से, और कहाँ लगभग 4 महीने, 4 मई, मतलब 15 दिन में इसने अपना पैसा दुगना कर दिया था, लोगों का पैसा डबल हो गया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसमें हैवी क्या हुई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और लोगों ने अपना पैसा इससे निकालना चालू कर दिया, क्योंकि कोरोना का टाइम थमने लगा था। तो क्या हुआ, लोगों को लगा कि अब फार्मा का बूम खत्म होने वाला है, तो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी। तो फिर इसमें गिरावट चालू हो गई, इसने यहाँ से सपोर्ट को तोड़ते हुए 61 रुपये सपोर्ट को तोड़ते हुए इसने कहाँ सपोर्ट लिया 53 रुपये पर, और इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या हुआ, हैवी कंसोलिडेशन का फेज चालू हो गया था। काफ़ी दिन इसमें कंसोलिडेशन चला, ऑलमोस्ट 7 रुपये की रेंज में 53 रुपये से 61 पैसे तक काफ़ी दिन तक ये घूमता रहा। आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो ये देखें तो 59 रुपये से ऑलमोस्ट 55-56 रुपये की ये 4-5 रुपये की रेंज में काफ़ी दिन तक घूमा। फिर हल्की सी गिरावट आई, फिर इसने क्या किया, इस जो आपको पता है कि जब भी कोई शेयर फंस जाता है एक रेंज में तो उसमें हैवी ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना होती है। फिर उसमें ऐसे ही देखने को मिला कि इसमें ब्रेकआउट हुआ और इसने सीधे अपना फिर से हाई बनाया, फिर से 72 पर पहुंचा। 72 रुपीज़ के बाद क्या हुआ, इसमें दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसमें गिरावट चालू हो गई। लेकिन इस बार ये इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया, ये 61 रुपीज़ के सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया और ये इसमें कंसोलिडेशन का फेस इसमें जारी रखा। और अब क्या हुआ, इसमें एक बहुत ही प्यारा सा एक पैटर्न देखने को मिला, जो कि है ट्रायंगल पैटर्न। और ट्रायंगल पैटर्न देखिए, ये अब ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है, क्योंकि ये बहुत देर से छोटी रेंज उससे छोटी रेंज बनाते हुए चल रहा था।
अब ये रेंज को तोड़ते हुए एकदम से इसने बूम किया ऊपर तक भागा है और इसने दोबारा से अपना 72 रुपीज का टारगेट अचीव कर लिया, जो हमने आपको हमने ये शो जो शेयर था आपको 64 रुपीज के आसपास खरीदने को बोला था और ये इसने 74 तक हाई बनाया था, मतलब 10 रुपये का आपको प्रॉफिट आपने जरूर अगर आपने मेरी जो वीडियो देखी होगी उसके बाद आपने लिया होगा तो इसमें आपको लगभग लगभग 10 रुपये का आपको जरूर फायदा हुआ होगा। तो ये जो है 74 का अपना जो हाई बनाने का दोबारा से अब ये इस रेंज में सपोर्ट दे चुका है, रेजिस्टेंस में आ चुका है। अब इसमें आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है कि अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि इसका 72 रुपये के आसपास का जो उसका टारगेट था इसके ऊपर अगर 2-3 दिन अपना जो है दोबारा से पोजीशन ले लेता है ऊपर, जब ऊपर ओपन होता है 72 रुपीज के आसपास, तो इसमें क्या होने वाला है, ये बहुत ही ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर ये दोबारा से यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे भागता है तो फिर इसमें दोबारा से वही खेल होने वाला है कि ये दोबारा सपोर्ट लेगा 61 रुपये से और ये फिर दोबारा से कंसोलिडेशन का फेस चालू करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर की ओर भागता है लगभग ये 2 दिन कम से कम मिनिमम 2 या 3 दिन कम से कम अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है 72 रुपीज के आसपास, 72 रुपीज के ऊपर माफ कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर की ओर भागता है 2-3 दिन कम से कम 2-3 दिन, वैसे आप रिपीट करूँगा कम से कम 2-3 दिन, क्योंकि 2-3 दिन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ इसमें अभी दम है कि ये ऊपर जाने की हिम्मत रखता है, लोगों को भरोसा है इस शेयर पर। तो ये 2 या 3 दिन कम से कम इसके ऊपर ओपन होना चाहिए और इसमें जो क्लोजिंग है ऊपर ही जाना चाहिए, 72 रुपीज़ के नीचे नहीं आना चाहिए ऑलमोस्ट। तो ये ऊपर की ओर शेयर भागता हुआ दिखाई आपको दे सकता है, तो आपको यही ध्यान रखना है। आपको अब आगे क्या करना है, आपको ये करना है कि आप इसमें अभी फ्रेश पोजीशन अभी ना बनाएं। इसमें आपको फ्रेश पोजीशन इसलिए बना कर रहा हूँ क्योंकि अभी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर भागना चालू करें फिर से दोबारा से, तो आप इसमें ऊपर के लेवल पर बाई कर लेंगे फिर फंस जाएंगे। तो आपको अभी इसमें फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, आपको अभी इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आपको सही वक्त का इंतज़ार करना है। आपको इंतज़ार कैसे करना है कि जब ये ऊपर ये अपना भागना चालू हो 72 रुपीज़ के आसपास से 2-3 दिन के बाद जब ये ऊपर की ओर भागना चालू हो तो क्या करना है, आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं क्योंकि इसके जो आगे के जो टारगेट्स हैं वो टारगेट इसके बहुत ही ख़तरनाक है। वो इसके टारगेट जो है ऑलमोस्ट कितने रुपए का है, ये आपका रहेगा ऑलमोस्ट टारगेट 94 रुपीज़ के आसपास का आपका टारगेट रहने वाला है, ऑलमोस्ट आपको बताऊँ एग्जैक्टली 94 रुपीज़ के आपका 10 रुपये के आसपास का आपका ये रहेगा टारगेट। तो ये टारगेट आपको बहुत जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई देगा अगर ये दोबारा से इस तेज़ी को बरकरार रखता है, मतलब कि 72 रुपीज़ को ये लेवल को तोड़ते हुए ऊपर और भागता है तो ये टारगेट अचीव होता है आपको दिखाई देने वाला है 94 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास का आपका ये रहेगा टारगेट, ये आपका टारगेट बन रहेगा अभी के लिए अगर ये ऊपर भागता है तो। अगर इसमें दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देने को मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत बार हुआ है ये आप देखें तो इसमें 2 बार ये 74 रुपीज़ के आसपास का लेवल अचीव हुआ है, लेकिन दोबारा दोनों बार क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये दोबारा से नीचे की ओर भागता हुआ दिखाई दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो आप जब फंस जाएंगे तो उसमें फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना आपको, और अगर इसमें लॉन्ग टर्म में आप इसमें नीचे के लेवल पर बाइक किए हुए हैं तो आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके रख सकते हैं। अगर आपने नीचे के लेवल पर अच्छा खासा इसमें पैसा कमा लिया तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप अभी फिलहाल में, क्योंकि आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसमें गिरावट आ गई तो आप फिर परेशान हो जाएंगे कि फिर से आपका रुपया कम हो जाएगा। तो आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कम कर सकते हैं, अगर ये दोबारा से ऊपर जाए तो आप इसमें दोबारा खरीद लीजिएगा, और ये नीचे के लेवल पर आता है जब ये नीचे के लेवल बहुत नीचे पहुंच जाए तो आप इसमें दोबारा बाई कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, तो आप डबल प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। तो आपको फ्रेश पोजीशन को अभी अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसमें कुछ नहीं बोलूँगा कि आप इसमें क्या करें, आपको यही करना है कि इसमें पेशेंस रखना है, पेशेंस से ही आपको इसमें पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, पेशेंस बनाना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, अगर ये नीचे भी आता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको आराम से चिल होके मस्त बैठना है। शॉर्ट टर्म में आपको अभी पोजीशन अवॉइड करना है, दोबारा बोल रहा हूँ आपको 2-3 बार ये मैं बात बोल चुका हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ऊपर लेवल पर बाई कर लेते हैं, लोगों को लगता है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही है इसको बाई करना सही रहेगा, लोग बाई कर लेते हैं और वो शेयर क्या होता है प्रॉफिट की वजह से नीचे की ओर भाग जाता है। तो आपको यही करना है कि आप इसमें थोड़ा सा अभी रुक जाइए फ्रेश पोजीशन के लिए, और अगर ये नीचे आता है सपोर्ट कौन सा काम करेगा, सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 61 रुपये 15 पैसे के आसपास का सपोर्ट नंबर 1, ये आपका सपोर्ट रहेगा। और सपोर्ट 2 कौन सा रहेगा, ये रहेगा सपोर्ट 2 अगर इस लेवल को तोड़ता है 61 रुपये को तो सपोर्ट का काम करेगा 53 रुपये 75 पैसे के आसपास का सपोर्ट, बहुत ही तगड़ा काम करेगा आपके सपोर्ट का। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सपोर्ट को बहुत ध्यान रखना है और आपके रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए आपको इसमें ट्रेड करना है ताकि आप अच्छा खासा पैसा कमा पाए, और इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और ना ही बिल्कुल परेशान होना है, क्योंकि ये जो शेयर है बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, बहुत अच्छा तगड़ा शेयर है, कंपनी फंडामेंटली आपको बताया था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है।
तो आगे के हफ्ते मैंने आपको टारगेट दे दिए, सपोर्ट दे दिए। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड थैंक यू।